गाँ से समुंडे तू बसी अछु ना तोर ग्राम देवती विपदे आपदे घंट घोड़ाई रखु सदा सुखी रही थांती तते आश्रा करी तो ग्रामवासी। दीप आड़ बोट टे आसुथिबार देखी तीन जन सन्यासी समुद्र कूल रे हात धराधरी होई छिड़ा होई गले। सेमानंकर कौतूहल बढ़ी जाइथिला। बोट टी कूल रे लागिला। पिशव ओल्हाइबा मात्रे तीन जन जाक दौड़ी जाई तांकु प्रणाम करथिले। बिशप मध्य सेमानंकु आशीर्वाद कले। एथर बिशप पचारिले, मु सुनिबाकु पाइली तुमे तीन जन एहि निर्जन दीपरे अवस्थान करुअछ। तुम्भमानंकु चेहरारु जणा पडुछि तुम्भे माने आत्मार मुक्ति लागि साधना करुअछ। तुम्भमानंकर आत्मीय स्वजनंकु कल्याण पाई तुम्हें प्रभु जीशुंकु प्रार्थना करुअछ। एया ना तीन जन सन्यासी नीरव रही बिशप आउ टिके चढ़ाकड़े कही तुम्हें माने बोधे जाणिनाह मुझे ख्रीष्टधर्मर गुरु प्रभु जीशु बार्ता प्रचार करने हेउछि मोर काम तांकरी संतान मानंकु मु शिक्षा दे थाए तुम्भ मानंकु मध्य प्रभु बार्ता शिक्षा देवा मोर लक्ष्य। तेबे तुम्हें प्रभु को क्यों भली भावरे प्रार्थना करुअछ ताहा प्रथमे प्रकाश कर तापरि प्रभु को प्रार्थना करिबार प्रणाली मु तुम्भ मानंकु सिखाई देबी। बिशप ठारु एपरि कथा शुणी तीन सन्यासी बेस खापरी गले। तीन जन केवल परस्पर को अनाइबाकु लागिले। ए प्रश्नर उत्तर देबा लागि केहि जेपरि प्रस्तुत नथिले। शेषरे वयस्क सन्यासी जनक कहिले ईश्वरंकु किपरि प्रार्थना कराजाए ताहा आमे केहि जाणिनाहुँ। आमे केवल निजर सेवा करि चलिछु। बेल अबेळरे ईश्वर पुत्र मानंकर सेवा करिथाउ। एहा व्यतीत आमे अधिक किछि जाणिनाहु कि करुनाहु। बिशप कहिले तेबे तुमे कोन कहि ईश्वरंकु प्रार्थना कर किछि त पुणि कहुथिब। वयस्क सन्यासी जनक कहिले आमे खाली एतिकि कहि ईश्वरंकु डाकिथाउ। हे प्रभु तुमे जेमिति तीनि आमे भी सेमिति तीनि तुम संतान मानंकर सेवा करिबा पई तुमे आमको प्रेरणा दियो। बिशप पचारिले अर्थात वयस्क सन्यासी जनक पुणि कहिले आमे तो तीन जन एठी अछु ईश्वर मध्य तीन। प्रथम ईश्वर पिता जी ऊर्ध्वरे रही सबकिछि सृष्टि करिबारे लागिछन्ति। द्वितीय ईश्वर पुत्र जी पृथ्वी रे अवतार ग्रहण करिछन्ति। तृतीय आत्मा ईश्वर जो मैंने कबर भितरे मुक्ति पई प्रतीक्षा करिछन्ति। बिशप कहिले बस एतिकि। एथर चुप रही जाइथिले तीन जन। बेस बड़ पाटीरे ठो ठो करी हसी उठिथिले। बिशप कहिले तुम्हें माने खाली तीन भगवान विषय शुणिछ किंतु प्रार्थना करिबार कौनसी पद्धति तुम्हें जाणिनाह। जो उपाय ईश्वर संतुष्ट हेबे से कथा नजाणी आजेबाजे भावरे ताको डाकिले से काहेकि तुम कथा शुणिबे। पवित्र ग्रंथ बाइबल रे ईश्वर को प्रार्थना कराजिबार पद्धति जणाई दिया जाइछि। तुम्भ मानंकर ए प्रकार प्रार्थना ग्रंथ वर्णित प्रार्थना सहित आदौ मेल खाऊ नाही। तेबे तुम्भ मानंकु देखिले मोर भारी दया आसुछि। मु तुम्भ मानंकु ईश्वर को प्रार्थना निश्चय सिखाइ देबे। तुमर ए प्रकार प्रार्थना शुणि ईश्वर पुत्र बा पुत्र भगवान खुशी हेबे नाही। कौन राजी? तीन जन जाक किसी न कही खुशी हो गले। बिशप कहले कह आंभ मानंकर पिता जी स्वर्ग राज्य अवस्थान करती सी आम समस्त त्राणकर्ता। समस्ते बिशप कथा को दोहराई से पार्टी बिशप कथा स्पष्ट भाव उच्चारित तो होता। तेब अति धीर भाव गुड़ाई थर दोहर फल बिशप कथा परिष्कार उच्चारित होगा सहित से मुखस्थ भी होगला। तापर बिशप पुणी एक उपदेश देले। से कथाटी को दोहर दोहर स्पष्ट भाव कहीपारे।
ମାତ୍ର କେତୋଟି ଉପଦେଶ ଦେଇ ବିଶପ୍ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରା ପଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଇ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଗାଇ ଦେଇଗଲେ। ବିଶପ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଫେରିଲେ। ନୌକା ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ବିଶପ୍ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ବିଶପ୍ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କେବଳ ଦୋହରାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସ୍ୱରର ଗୁଞ୍ଜରଣ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭୁଥିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରାତି ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବିଶପ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଶପ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ସେହି ଦୀପଟି କେବଳ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶି ଶେଷରେ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ବିଶପ୍ ଜାହାଜକୁ ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଶପ୍ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେପରି ନିଦ ହଜିଯାଇଥିଲା, ସେ ଜାହାଜର ଡେକ୍ ଉପରେ ବସି ରହି କେବଳ ସେହି ଦୀପଟି ଆଡ଼କୁ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଚାରିଦିକ ଚହଟି ଉଠିଥିଲା। ଦୀପଟି କେବଳ ମେଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ଧାର ପରି ଦିଶୁଥିଲା ଦୂରକୁ। ହଠାତ୍ ବିଶପ୍ ଦେଖିଲେ ସେହି ଦିଗରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ଆସୁଛି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଆଲୋକ ଜାହାଜ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ନୌକା ନଥିଲା, ଯାହାର ଆଲୋକ ଦିଶୁଥିଲା ସର୍ପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଳଚର ନଥିଲା। ତେବେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏ ଆଲୋକ କ'ଣ ଥିଲା? ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି, ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଭାରି ସୁନ୍ଦର।